P block chapter, group number 16, allotropic forms of sulfur. There are two allotropic forms of sulfur, rhombic and monoclinic. Rhombic ko hum alpha sulfur bhi bolte hain aur monoclinic ko hum beta sulfur bhi kehte hain. First is the method of preparation of rhombic sulfur. It is prepared by slowly evaporating the solution of rolled sulfur in carbon disulfide in a china dish. When an octahedral crystal of rhombic sulfur appears, rolled sulfur ko carbon disulfide mein dissolve karke ek china dish mein lenge aur solution ko evaporate hone ke liye rakh denge aur kuch der baad hame china dish mein rhombic sulfur ke octahedral shape ke crystals bante hue usme dikhai denge. रोल सल्फर क्या होती है कि सल्फर रॉड या स्टिक्स की फॉर्म में मतलब मोल्टन सल्फर सल्फर को पिघला के मोल्टन किया उसको वापस रीशेप करा स्टिक्स या रॉड की फॉर्म में उसको हम रोल सल्फर बोलते हैं और कास्टिंग हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मोल्डिंग करना मोल्ड में डाल के किसी चीज़ की शेप को दोबारा से चेंज करना उसको हम कास्टिंग बोलते हैं. तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ कि रोल सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके चाइना डिश में डाल के इवेपोरेट करना जिससे कि थोड़ी देर बाद ऑक्टाहेड्रल शेप के क्रिस्टल हमें रोम्बिक सल्फर के चाइना डिश में दिखाई देते हैं. इसके बाद हैं प्रॉपर्टीज़. ये आपको रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों की आपके काम में आ सकती हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन तो उस केस में आप इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन में डाल सकते हो. रोम्बिक सल्फर इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर. इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एल्कोहल ईथर टू स्मॉल एक्सटेंट एंड इट इज़ रेडिली सॉल्युबल. मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में ही सिर्फ ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है. बेंजीन एल्कोहल ईथर जैसे सॉल्वेंट्स में बहुत कम डिसॉल्व हो जाती है लेकिन बहुत कम और वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होती है. इट हैज़ वेरी स्मॉल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. कलर येलो. मेल्टिंग पॉइंट 385.8 डिग्री सेल्सियस. नाउ कम टू मोनोक्लिनिक. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल द क्रस्ट इज फॉर्म. टू होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड पोर्ड आउट. रोम्बिक सल्फर को एक चाइना डिश में मेल्ट करके पहले ठंडा कर लिया टिल द क्रस्ट इज़ फॉर्म. जब तक ठंडा किया जब तक नीचे वापस एक क्रस्ट ना जमने लग जाए और जब क्रस्ट जमने लग गई तो बाकी बचे हुए लिक्विड को उसी चाइना डिश में नीचे से छेद करके निकाल दिया जाता है और वो जो क्रस्ट बनी है वो मोनोक्लिनिक सल्फर की है. प्रॉपर्टीज. मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 393 केल्विन. ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है. इसके नीडल शेप क्रिस्टल बनते हैं. रोम्बिक सल्फर के अभी हमने यहाँ पे पढ़े इसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स बनते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप के. मोनोक्लिनिक के नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनते हैं. इट इज़ स्टेबल अबव टेम्परेचर 369 केल्विन. बिलो दिस टेम्परेचर इज चेंजेस टू एल्फा सल्फर. तो 369 डिग्री जो केल्विन जो टेम्परेचर है ये इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर है. इस टेम्परेचर से नीचे एल्फा सल्फर होती है और बीटा जो है वो इस टेम्परेचर के अबव ही बनती है. सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. इनकी शेप्स हैं ये अल्फा सल्फर की और ये बीटा सल्फर की. दोनों की ही क्राउन शेप है. डब्ल्यू की फॉर्म में क्राउन बने हुए हैं. एक एक क्राउन में एट मॉलिक्यूल होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ एटम होंगे क्राउन में. लेकिन रोम्बिक वाले में सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज हैं लेकिन मोनोक्लिनिक में ये ऑपोजिट है. ये नीचे ये ऊपर ये नीचे फिर ऊपर. इस तरह से इनके अरेंजमेंट में फ़र्क है. शेप तो सेम ही है. बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल. S8 रिंग इन बोथ फॉर्म पकड़ आर कॉल्ड पकड़ रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर. एक और एलोट्रोपिक फॉर्म होती है साइक्लो S6 फॉर्म जिसमें 6 सल्फर के एटम होते हैं और वो चेयर की फॉर्म में होते हैं. रिंग कंटेन 6 सल्फर एटम एंड इट एडॉप्ट द चेयर फॉर्म. एक कुर्सी जैसी चेयर जैसी ये शेप लेता है और साइक्लिक है. चारों तरफ से बंद है और 6 एटम्स होते हैं इसीलिए साइक्लो S6 फॉर्म बोलते हैं.
एक बहुत ही अनकॉमन, बहुत ही कम अवेलेबल जो फॉर्म होती है वो है S2 फॉर्म. S2 एलोट्रॉपिक फॉर्म प्रीडोमिनेट एट अबव 1000 केल्विन. S2 इज़ पैरामैग्नेटिक एंड ब्लू इन कलर.